السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. मेरा सवाल है शेख कि जैसे सूरत किरात शुरू करते हैं, अवजल बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो दरमियान सूरत के जो है दरमियान सूरत से शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना तो बोला बरकत के लिए पढ़ना चाहिए, बोला नहीं ऐसे तो अवजल पढ़ना चाहिए, तो कहाँ तक क्या है? जी ठीक है जी शाहबुद्दीन भाई, शेख सवाल अर्शद, बात क्या करते सवाल सवाल क्या है इनका? जी शेख। सवाल इनका ये है कि अगर नमाज में हम लोग इब्तिदा से कोई चीज पढ़ते हैं, सूरत के शुरू से तो औद बिल्ला बिस्मिल्ला दोनों पढ़ते हैं, अगर दरमियान से पढ़े तो क्या सिर्फ बिस्मिल्ला पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? औद बिल्ला तो पढ़ना है, बाज़ लोग कहते हैं बिस्मिल्ला पढ़ना है, बाज़ लोग नहीं कहते। अगर शुरू सूरत है तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, और अगर दरमियान सूरत से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ औज़ बिल्ला पढ़ेंगे, और ये भी जी औज़ बिल्ला भी शुरू नमाज में, यानी जब पहली रकात में आप किसी दरमियानी सूरत से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो औज़ बिल्ला के साथ आप जो है शुरू करेंगे, लेकिन जाहिर है आप पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। जब आप सूरह फातिहा पढ़ना चाहें तो पहले औज़ बिल्ला और बिस्मिल्ला पढ़ें, फिर सूरह फातिहा शुरू करें, उसके बाद अगर आप किसी सूरत के शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते जी हैं, बिस्मिल्लाह चाहे तो ना पढ़ें, और दरमियान अगर सूरत से पढ़ रहे हैं तब तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे बोलेंगे दरमियान के रात जो है जी सूरत के दरमियान से, सूरत के दरमियान से शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना सिर्फ औजल्ला पढ़ना है, और जिस सूरत तौबा में भाई देखिए फिर से सुन लीजिए आप एक बार, हालांकि मैं जवाब दे दिया मैंने। जब नमाज, और आप नमाज के अंदर और बाहर दोनों बता दीजिए, नमाज के नमाज के बाहर बाहर, आप पूछ रहे हैं कि नमाज नमाज के के अंदर, बाहर, नमाज के बाहर? जी, नमाज के नमाज के बाहर दोनों। बाहर, जब आप नमाज के बाहर हैं तो जब कुरान पढ़ना अभी शुरू कर रहे हैं, कुरान पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो वहां पर आप औसबिल्ला भी पढ़िए, बिस्मिल्ला भी पढ़िए, चाहे दरमियान से पढ़ रहे हो या शुरू सूरत से पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब किसी सूरत के आप एक सूरत खत्म कर चुके उसके बाद फिर कहीं और से कुरान में पढ़ना चाहते हैं तो आपको अब जी ना औज़ बिल्ला पढ़ने की जरूरत है ना बिस्मिल्ला पढ़ने की जरूरत है। अलबत्ता जब सूरत जी का जी की इब्तिदा होगी तब आप बिस्मिल्ला पढ़ेंगे, जी क्योंकि सूरतों की इब्तिदा में बिस्मिल्ला जी है। सर, जी सूरत तौबा में सर, सूरे तौबा में सूरत नहीं, तौबा नहीं उस सूरे तौबा में जय बिस्मिल्ला नहीं है इब्तिदा में। सूरे सूरे तौबा तौबा अगर शुरू से शुरू कर रहे हैं शेख, अभी आया है कुरान पढ़ने के लिए और फिर सूरे तौबा पढ़ रहे हैं, इसके लिए देखिए, कंफ्यूज है अगर वो। अगर अगर शुरू किरत है, शुरू किरत है कुरान की, शुरू किरत है तो औज़ बिल्ला बिस्मिल्ला दोनों पढ़ना है। अगर दरमियान में आप सूरत चेंज कर रहे हैं तो सूरत के शुरू में बिस्मिल्ला पढ़ना है, औज़ बिल्ला नहीं पढ़ना है। और सूरह अगर तौबा में दरमियान सूरे तौबा में बिस्मिल्ला नहीं है, अगर सूरे तौबा ही से आप कुरान की किरत तिलावत शुरू कर रहे हैं तब औज़ बिल्ला बिस्मिल्ला दोनों पढ़ना है। जी ठीक है शाहबुद्दीन सूरत भाई। के तौबा, तौबा सूरत के शुरू में हाँ, सूरे तौबा देखिए, अगर जी आप कुरान पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपने सूरे तौबा खोला है, अभी इब्तिदा की है आपने किरात की, तो शेख ने कहा औज जी बिल्ला और बिस्मिल्ला दोनों आपको पढ़ना है। जी जी जैसा ठीक है, कल्ला खैर। जजाक